एवरीवन, मैं हूँ माधुरी एंड आज की वीडियो में हम लोग शेयर करने वाले एटॉस से रिलेटेड बातें, यानी कि एटॉस के पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, पैटर्न चेंज हुए हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं। तो देख लेते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट कर देते हैं, देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, क्या नहीं हो रही, क्योंकि एटॉस में बहुत सारी चेंजेस आई हैं। इससे पहले क्या था, इसमें जो एटॉस का जो एग्ज़ाम हो रहा था, इससे पहले क्या था कि एक राउंड था जहाँ पर लिखा था कि एलिमिनेशन राउंड नहीं है, लेकिन अब वो चीज़ चेंज कर दिया गया है। तो क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं ये मुझे आज ही पता चला। पहले मुझे पता था कि एलिमिनेशन राउंड नहीं है तो ईज़िली आप लोग सेकेंड राउंड भी क्लियर कर लोगे, बट नहीं, अब कुछ चीज़ें चेंज हो गई। तो सारी चीज़ें वीडियो लास्ट तक देखिएगा, यहाँ पर जितने भी टाइप के आपके क्वेश्चन हैं ना, मैं सभी के क्लियर करने की कोशिश करूँगी, एंड प्लस आपको प्रिपरेशन कैसे करनी, क्वेश्चंस कैसे मिलेंगे, क्वेश्चंस रिपीट होते हैं कि नहीं होते, ये भी मैं बताऊंगी। तो अगर आप अपकमिंग डेज में एटॉस का एग्ज़ाम देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, तो ध्यान से पूरा लास्ट तक वीडियो देखिएगा। एंड अभी भी एटॉस में हायरिंग चल रही है, नहीं अप्लाई किया तो मेरा प्रीवियस वीडियो देख लेना, मैंने प्रीवियस वीडियो में शेयर किया था एटॉस की वैकेंसी के बारे में, मैंने बताई थी, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो। फिलहाल मैं देखूँगी, अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसी में ही नीचे क्या कहते हैं, टाइम नहीं कन्फर्मली है, अगर मैं देखती हूँ अगर एक्टिव रहेगा, मुझे ज़्यादा पता है एक्टिव है, बट इनकेस अगर एक्टिव नहीं रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हाँ अभी भी एक्टिव होगा लिंक, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप लोग प्लीज़ इसे चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं बात चेक कर लूँगी, बट मुझे ज़्यादा पता है एटॉस में अभी भी हायरिंग चल रही है, बट मैं कन्फर्म करके नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। अगर आप में से कोई है जो नहीं अप्लाई किए तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं क्या क्या बातें आपके संग शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए नेक्स्ट पेज आते हैं। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो चीज़ें मैंने यहाँ शेयर करी है, पहले का शेयर कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या था कि आपका जो एटॉस में होते थे राउंड, टोटल 3 राउंड होते थे, अभी भी 3 राउंड है, राउंड नहीं चेंज हुआ, पहले भी 3 राउंड था, अभी भी 3 राउंड है, लेकिन यहाँ पर जो फर्स्ट राउंड होता था वो OAT होता था। OAT मीन्स यहाँ पर ऑनलाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, सिर्फ एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस होते थे। सेकेंड राउंड जो होता था वहाँ पर MCQ एंड हैकर अर्थ पे क्वेश्चंस होते, एक कोड होता था वो करना होता था। एंड थर्ड राउंड जो होता था वो बिजनेस इंटरव्यू होता था। अब बिजनेस इंटरव्यू में क्या होता है वो भी मैं बताऊँगी, एंड ये सेकेंड राउंड और फर्स्ट राउंड की बात कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट राउंड होता है, यहाँ पर क्या होता है, फर्स्ट राउंड आपका एलिमिनेशन राउंड होता है, सेकेंड राउंड जो होता है वो एलिमिनेशन राउंड नहीं होता। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, साफ यहाँ पर मेंशन है कि जो सेकेंड राउंड होगा वो आपका एलिमिनेशन राउंड नहीं होगा। MCQ एंड हैकर अर्थ पे जो कोड आपको मिलेगा करने को, दोनों में एलिमिनेशन राउंड नहीं है। तो पहले क्या था ना कि ये चीज़ थी तो बहुत ही ईजिली बच्चे सेलेक्ट हो जाते थे एटॉस में, बट अब एटॉस ने थोड़ी सी चेंजेस कर दिया, वो थोड़ी सी चेंज क्या किए वो देख लेते हैं। नेक्स्ट जो आप देख सकते हो एटॉस का ये भी है, बट ये रीसेंट का है, अभी मैंने आपको दिखाया था। इससे पहले क्या था कि फर्स्ट राउंड तो सेम है, जो कि अभी यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, फर्स्ट राउंड एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है जो कि कॉमन है, लेकिन सेकेंड राउंड में थोड़ा चेंजेस हो गया। सेकेंड राउंड यहाँ पर दिखा रहा है ओनली MCQ, बट पहले क्या था कि MCQ प्लस हैकर अर्थ पे कोर था जो कि ईजी था क्योंकि वहाँ पर एलिमिनेशन राउंड नहीं थे, लेकिन यहाँ पर हो गया है हार्ड क्योंकि यहाँ पर है एलिमिनेशन राउंड, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन राउंड आप देख सकते हो, यहाँ स्क्रीन पर मेंशन भी है कि जो सेकेंड राउंड है वो भी आपका एलिमिनेशन राउंड है, ठीक है। तो और जो सेकेंड राउंड होने वाला है वो MCQ होने वाला है। साथ में यहाँ पे क्या किया गया है, आपका कोडिंग राउंड जो था वो हटा दिया गया है। तो कोडिंग राउंड हटाना और रहना कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो उसमें क्या था, नॉन एलिमिनेशन राउंड था, यानी कि वो वहाँ पर एलिमिनेशन का कुछ कंडीशन नहीं था, आप पास हो या फेल हो बट आप क्वालिफाई ही रहोगे, ठीक है, उसमें कुछ ऐसा कुछ मेंशन नहीं था। बट आप यहाँ पे क्या किया गया कि आपका जो वो राउंड था उसे हटा दिया गया है, कोडिंग का राउंड हटा दिया गया है, एंड वहाँ पर डाल दिया गया है कि एलिमिनेशन राउंड होगा। ये थोड़ा सा हुआ है प्रॉब्लम, समझ रहे हो मेरी बात, आई थिंक सो। मैं समझा नहीं पा रही हूँ और आप समझ नहीं पा रहे होगे, फिलहाल मैं एक बार कोशिश करती हूँ समझाने की, मे बी अब आपको समझ आ जाए। मुझे लग रहा है कि मैं सही से समझा नहीं पा रही हूँ। ध्यान से देखिए आप, यहाँ पर 2 राउंड हैं, सेकेंड राउंड की बात करें, फर्स्ट राउंड तो कॉमन है, सेकेंड राउंड में जो पहले क्या होता था, सेकेंड राउंड में जो पहले था वो था MCQ एंड आपका हैकर अर्थ पे कोड था, ठीक है, कोडिंग एक था और आपका MCQ क्वेश्चन था, आपको इन्हें सेकेंड राउंड में करना था, लेकिन कंडीशन क्या था कि ये नॉन एलिमिनेशन राउंड था, यानी कि आपको एलिमिनेट नहीं किया जाएगा अगर आप फेल होते तो भी, अगर आपके कोड नहीं रन होते हैं या फिर MCQ में आप पास नहीं होते हो तो भी आपको एलिमिनेट नहीं किया जाएगा। ये पहले था, ठीक है, ये अब क्या हो गया है, अब ये हुआ है कि
कि जो कोड वाला पार्ट है वो हटा दिया गया है, ओनली एमसीक्यू होगा। एंड एमसीक्यू के कंडीशन में भी रख दिया गया कि ये आपका एलिमिनेशन राउंड होगा। तो ये चीज़ हो गया सेकेंड राउंड में। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। तो ये इस तरह से होने वाला है। अब सेकेंड राउंड में किस टाइप के क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन की अभी मैं बात करूँगी। फिलहाल जो फर्स्ट राउंड है ना, उस पर क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी आप लोगों के संग शेयर किए हुए हैं। अगर आपका अपकमिंग डेज में होने वाला है पेपर एंड आप सोच रहे हो कि एप्टीट्यूड किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, तो आप एक और उस वीडियो को देख सकते हो, वीडियो नहीं उस पीडीएफ को चेकआउट कर सकते हो। उस पीडीएफ में मैंने सभी क्वेश्चन रखे हुए हैं, आप एक बार उन्हें प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि नहीं? हाँ, क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो एक बार आप उस पीडीएफ को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। एंड जो सेकेंड राउंड है एमसीक्यू, इस पर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी। इसके क्वेश्चंस हैं मेरे पास, शायद मैंने आप लोगों के संग शेयर भी किया हुआ है, बट एक बार मैं कन्फर्म कर लूँगी। अगर मैंने टेलीग्राम पर नहीं शेयर किया होगा तो मैं शेयर कर दूँगी, या फिर एक सेपरेट वीडियो बना के आपको दिखा दूँगी कि आपको कहाँ पर ये सभी पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी। या फिर अगर आप टेलीग्राम पर जाकर खोज ले रहे हो तो अच्छी बात है, नहीं खोज पाते तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं वीडियो ही बना दूँगी आपके लिए, ठीक है। तो सेकेंड राउंड क्या हो गया, अब आपका एलिमिनेशन राउंड हो गया है। कितने क्वेश्चन होने वाले हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेकेंड राउंड होने वाला एमसीक्यू क्वेश्चन, वहाँ पे आपको क्वेश्चन एमसीक्यू सॉरी उप से आएंगे, एसक्यूएल से आएंगे, डीबीएमएस से आएंगे, ओएस से आएंगे और कुछ अदर टॉपिक भी होंगे। टोटल यहाँ पर 50 क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो ये राउंड होने वाला है आपका एलिमेंट से। ये मुझे एक बच्चे ने भेजा था, उसका नाम तो नहीं पता, बट उसने अपना नाम 999 रखा हुआ था। उन्होंने बोला कि मैम इस पर वीडियो बना दीजिए ताकि बाकी लोग को भी हेल्प हो जाए। तो फिलहाल अभी मुझे सडनली याद आ गया, तो मैं कहीं लॉ जल्दी से वीडियो भी बना देती हूँ, नहीं तो मैं भूल भी जाऊँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो। अब बात कर लेते हैं थर्ड राउंड की। थर्ड राउंड जो होता है वो आता है आपका बिजनेस इंटरव्यू। अब बिजनेस इंटरव्यू में क्या होने वाला है, बिजनेस रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे? तो नहीं, बिजनेस इंटरव्यू में ना सिंपल आपके टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन होते होंगे आप लोग के माइंड में कि मे बी यहाँ पर आपको ग्रुप डिस्कशन करवाया जाएगा, या फिर आपको बिजनेस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, या फिर आपको कोई पीपीटी एक्सप्लेन करने को कहा जाएगा, या फिर किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करने को कहा जा सकता है। इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं माइंड में, बट नहीं, बिजनेस इंटरव्यू मतलब आपका टेक्निकल राउंड। यहाँ पे आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, लास्ट में आपको एक या दो क्वेश्चन जो होंगे वो एचआर के होंगे, बट वो क्वेश्चन सबसे नहीं पूछे जाते, बहुत कम लोगों से पूछा जाता है, ठीक है। एंड ये आपका फाइनल राउंड होता है। इसके बाद से अगर आप ये सोचो कि मुझे एक और मेल आएगा जहाँ पर एचआर के लिए सेपरेट होगा मीटिंग, सेपरेट इंटरव्यू होगा, तो नहीं, आपके बिजनेस इंटरव्यू में ही दोनों राउंड क्लियर कर दिया जाता है। बहुत लोग एचआर के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, बहुत लोग सिर्फ टेक्निकल के क्वेश्चन पूछ के आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका थर्ड राउंड, क्वेश्चंस मैंने बता दिया है। अगर इसके बाद भी अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। फिलहाल मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बट जाने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपको उनकी नोटिफिकेशन मिल सके। एंड बहुत लोग कमेंट करेंगे कि मैम आपकी आवाज़ बहुत धीरे आती है, तो मैं जब एडिटिंग करती हूँ तो मैं वहाँ पर अपनी वॉल्यूम एकदम ऊपर कर देती हूँ, पूरा फुल कर देती हूँ, ताकि जितना ज़्यादा हो सके आपको क्लियर रहे वॉइस। मैं कोशिश करती हूँ जितना ज़्यादा हो सकता है कि मेरी वॉइस क्लियर रहे, ठीक है। चलिए आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।